6 जुलाई को कमलानगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होने वाले नयन उत्सव में श्री हरि 15 दिन बाद भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं 7 जुलाई को बलकेश्वर महालक्ष्मी मंदिर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न शहरों के हजारों भक्तजन भाग लेंगे। वहीं पदाधिकारियों के अनुसार इस आयोजन के मौके पर रशिया से आए हुए भक्त भी भाग लेंगे। भक्तों का इंतजार समाप्त होने वाला है। 6 जुलाई को कमलानगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित नयन उत्सव में श्री हरि 15 दिन बाद भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं 7 जुलाई को बलकेश्वर महालक्ष्मी मंदिर से 7 जुलाई को भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न शहरों के हजारों भक्त जन भाग लेंगे। रशिया के भक्त भी लेने पहुंचेंगे। रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों को आमंत्रित करने के लिए इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद प्रभु के नेतृत्व में आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया। ढोलक मृदंग मजीरो संग श्री हरि के भक्त हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कीर्तन करते हुए बलकेश्वर कमलानगर क्षेत्र का भ्रमण किया और भक्तों को रथ यात्रा के लिए निमंत्रण दिया। श्री जगन्नाथ भगवान की भक्ति में झूमते नाचते भक्तों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कुछ लोग भक्ति के इस उत्सव में शामिल हो गए तो कुछ लोग दूर खड़े हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगे। आमंत्रण यात्रा में भक्तों के सिर पर रखे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के विग्रह स्वरूपों के दर्शन को हर कोई उत्साहित और ललायत था। अरविंद प्रभु ने बताया कि सभी भक्त भक्ति भाव के साथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। भक्तों के घर में 56 भोग के लिए पकवान बन रहे हैं तो कहीं श्री हरि के पोशाक तैयार की जा रही है। आमंत्रण यात्रा में बस यही कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को बहुत बहुत कष्टों से बहुत बहुत समय के बाद ये अवसर मिलता है कि हम भगवान की सेवा कर पाए, तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर है और मैं सभी को आमंत्रण देना चाहूंगा कि सभी लोग आए और भगवान का रथ का जो रास्ता है वो जरूर की। आज के दिन आमंत्रण यात्रा शहरवासियों को निमंत्रण देने के लिए इसी आज रथ यात्रा मार्ग पे आज आमंत्रण यात्रा निकाली जा रही है। ये बड़ा आगरा वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि जो है जगन्नाथ जी आपके शहर में हैं और जो है हर भक्त रास्ता खींचने के लिए रास्ता छूने के लिए प्रयत्न रहता है। और मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी के रथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लाभ कमाएं और जगन्नाथ रथ यात्रा में रस्सा पकड़ कर पुण्य लाभ उठाएं। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है, भगवान सबको दर्शन देने निकलते हैं। जब तीनों बहन भाई भ्रमण करने निकलते हैं सबको पूरे आगरा वासियों को दर्शन देने निकलेंगे। ये रथ यात्रा पूरे भारत में निकलती है एक ही दिन। जो इस बार की डेट है वो 7 जुलाई द्वितीया दौज में निकलती है हर साल, जो पकड़े के हिसाब से होती है। ये आगरा में इस्कॉन की इस तरह की यात्रा 2009 से स्टार्ट हुई है। 2009 से विभिन्न विभिन्न रोडों पे निकलती आई है। पिछले 2011 से इसी बलकेसर रोड पे बलकेसर महादेव मंदिर से रेगुलर चल रही है। ये परंपरागत एक रथ यात्रा है, उसके लिए आज आमंत्रण यात्रा बलकेसर महादेव मंदिर से महालक्ष्मी मंदिर से स्टार्ट हुई है। इस अवसर पर मुख्य रूप से शैलेंद्र अग्रवाल, राहुल बंसल, आशु मित्तल, अखिल बंसल, विकास बंसल, लड्डू भाई, ओम प्रकाश अग्रवाल, अशोक गोयल, ब्रजेश अग्रवाल, राजेश उपाध्याय, संजय कुकरेजा आदि लोग उपस्थित थे। न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।